हेलो एवरीवन, रियल आई में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है तो ये हमारे गुलाब पर है, जो फूलों का राजा होता है। और हम इस राजा की केयर अगर राजा की तरह करेंगे तो ये हमारा प्लांट फ्लावर अप्रैल में पूरा फूलों से भर जाएगा। और देखिए, लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी पीली पत्तियाँ हो रही हैं, नई पत्तियाँ निकल रही हैं, जो या सिकुड़ जाती हैं पत्तियाँ, या कोई भी जैसे फंगस लग जाती है। और मार्च में बहुत ज़रूरी काम ऐसा होता है गुलाब पर जो हमें ज़रूरी करना पड़ता है, अगर हम पहले ही हफ्ते में कर लेंगे तो ये हमें फूल अप्रैल में भर भर के देगा। तो आइए, कौन कौन से काम होते हैं, कौन सी टिप्स होती हैं, चार पांच जो हम इस समय फॉलो करें। और आइए, गुलाब पे सबसे पहले हमें क्या काम करना है, कटाई छटाई तो आपने पहले ही कर दी होगी फरवरी में, ये प्रूनिंग वगैरह। तो अब हमें जो मार्च में करना है, तो ये देखिए, ये इस समय क्या होता है, ये हमारा प्लांट जो ये ग्राफ्टेड होता है, तो ये जंगली प्लांट पे होता है, देसी प्लांट पे। तो ये क्या होता है, ये अपनी नई नई सूट्स नीचे से बहुत सारे निकालता है, जो ये जंगली ही प्लांट की होती है, अपनी सूट्स नीचे से काफ़ी सारे निकाल देता है। तो ये ग्राफ्टिंग से जो नीचे होता है, तो ये बहुत इसकी एनर्जी लेती है प्लांट की। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि इस पर फूल भी नहीं आते, तो इसको सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि सारी एनर्जी नहीं तो ये काफ़ी एनर्जी ले लेते हैं। क्योंकि प्लांट क्या करता है, नीचे से जड़, इसका रूट्स, ये तो ये काफ़ी एनर्जी इन्हें देता, क्योंकि सबसे पहले यही ब्रांच होती तो इसे ही मिलेगी, तो ऊपर तक एनर्जी कम जाती, तो प्लांट क्या करता है, वो सूखने लग जाता है ऊपर से। तो इसको सबसे पहले निकालते हैं। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, गुड़ाई करना है, और जितने भी इसमें एक्स्ट्रा प्लांट है तो उसको निकाल दीजिए। और देखिए, गुड़ाई हो गई है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको फर्टिलाइज़र ज़रूर देना है, क्योंकि इसकी नई नई ब्रांचें, नए नए सूट्स जो निकल रही हैं, देखिए ये छोटी छोटी ये सूट्स निकल रहे हैं, इनके लिए या ये जैसी ब्रांचेज बन चुकी हैं उनके लिए, तो अब इन्हें फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है। और कलियाँ तभी आएंगी जब ये अच्छा स्वस्थ प्लांट रहेगा, तो उसके लिए हमें जो है कुछ फर्टिलाइज़र डालने पड़ेंगे। देखिए, पहला काम हमने ये कर दिया है, और अब इसकी गुड़ाई करेंगे। दूसरा काम ये है गुड़ाई। तो ये देखिए, मैं इस प्लांट पर बताती हूँ आपको, ये मैंने देखी गुड़ाई कर रखी है इसकी। और ये गुड़ाई करने के बाद इसको चाहे तो आप इसकी मिट्टी बाहर निकाल लो, 2-3 इंच गुड़ाई करके अब मिट्टी बाहर कर लो, या इसको ऐसे करके मिट्टी इधर से हटा के आधे तक इधर कर लो, फिर इसमें फर्टिलाइज़र कर दो। और या मिट्टी ऐसे ही रहने दो, 2-3 तरह से हम डाल सकते हैं, या ऐसे ही डाल के फर्टिलाइज़र इसमें मिला दो। तो मैं क्या काम करूँ, मैं इस मिट्टी को निकाल देती हूँ पहले, उसे थोड़ा बहुत हवा भी लग जाएगी, 1-2 दिन छोड़ सकते हैं हवा लगने के लिए। तो मैं इसको मिट्टी को निकाल दूंगी 2-3 इंच तक। ये देखिए, मैं कुछ इसमें प्लेट में निकाल दूंगी। और देखिए, मैंने 3 इंच तक, जब तक मुझे ये रूट्स, देखिए मैंने इसकी सारी मिट्टी निकाल दी है, ये देखिए इतनी सारी। और अब क्या करेंगे, अब कौन कौन से फर्टिलाइज़र देंगे इसके लिए, जो ग्रीन पत्तियाँ रहे, बड्स अच्छी बने, सूट्स अच्छे बने, और फूल खूब सारे आए भर भर के, तो उनके लिए हम ज़रूरी है, ये देखिए इस समय पर। तो सबसे पहले मैं ये नीम खली है, नीम खली डालूंगी इसमें 2 चम्मच, या 2 मुट्ठी भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे फंगस नहीं लगती है, तो फंगस का ये बहुत अच्छा काम करता है, नीचे जड़ों में फंगस नहीं लगती। कई बार ऐसा होता है, हम पानी ज़्यादा डाल देते तो उससे फंगस लग जाती थी, तो इसको फंगस भी नहीं लगेगी। और दूसरा फर्टिलाइज़र, ये फ्रेश चाय की पत्ती लें, इसका भी बहुत अच्छा काम होता है। तो ये जो है एसिडिक, इसको सोयल पसंद है गुलाब को, तो इसमें ये इससे एसिडिक सोयल बनती है, तो इसे भी ज़रूर डालें, 2 चम्मच डाल दें। तो ये देखिए, आपका अगर 10-12 इंच है तो इतना काम जरूर करिए, मेरे 10-12 इंच का है ये तो। और आपके पास कोई भी कंपोज है, वर्मी कंपोज है, ऑर्गेनिक में कोई भी है वो डाल सकते हैं, या किचन वेस्ट है, या पत्तियों का लीफ कंपोज है, या गोबर की खाद है तो उसको भी डालें, तो इसका भी बहुत अच्छा काम करता है ये भी। तो ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है प्लांट के ऊपर। और अब हम लेंगे ये, जैसे मस्टर्ड केक होता है, तो मस्टर्ड को केक चाहे तो आप पाउडर फॉर्म में लीजिए, पाउडर फॉर्म में ही डालनी है, ऐसे मोटी नहीं डालनी, बारीक पीस के डालें, या आप इसे पानी में भिगो के रख दीजिए, उसका पानी डाल दीजिए। तो ये इसका मैं पानी बना के डालूंगी, मैंने बना के रखा हुआ है।
और देखिए इसे मजबूत करने के लिए प्लांट को जैसे ये नई नई ब्रांचेज होंगी और ये समझ लीजिए जैसी हड्डियों की हमारे मजबूती के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे प्लांट को भी इसी गुलाब को कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो कैल्शियम में है या तो हम ये कैल्शियम पाउडर ले लेंगे, मिल जाता है ईजिली, या अगर नहीं मिलता तो ये देखिए ये होता है चौक, तो चौक आप ले सकते हैं, बुक सेलर की दुकान में मिल जाते, तो उसको पीस के 2 चम्मच पाउडर बना लीजिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा ये कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है, तो इसको भी ज़रूर डालें इस समय 2 चम्मच। और एक ये देखिए ऑर्गेनिक तो हमने सारे डाल दिए हैं, और अगर आप ये DAP के दाने भी 3-4 डाल देंगे तो इससे भी ये देखिए काफ़ी मतलब हेल्प मिलती है प्लांट को हमारे, तो काफ़ी ये पूर्ति करता है, तो 7-8 या 10 दाने हम इसके भी डाल देंगे। तो ये देखिए वैसे मैं कम डालती हूँ, बट नहीं है आपके पास तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये काफ़ी सारा इसमें डाल दिया है, तो काफ़ी है इसके लिए, लेकिन ये है कि इसकी अच्छी ये जो होता हैवी फीडर होता है, तो हम ये भी डाल सकते हैं इसमें, तो इससे प्लांट की हेल्थ अच्छी होती है, मतलब ग्रोथ अच्छी होती है, इससे पोटेशियम की मात्रा भी इसमें पूरी हो जाएगी। ये देखिए केले के छिलके होते हैं, तो या तो इसको ऐसी करके क्रश करके, अगर सुखा लिए हैं आपने तो क्रश करके एक केले का छिलका इसमें डाल दीजिए, पाउडर फॉर्म में डाल दीजिए। तो मैंने तो ये अभी पाउडर नहीं बनाया, बस ये सूखा है, इस पर कोई फंगस नहीं लगेगी, वैसे भी हमने नीमखली डाली हुई, तो मैं इसको ऐसे क्रश करके इसको ऐसे ही डाल देती हूँ, तो इससे क्या होगा ये पोटेशियम का भी काम करेगा। तो ये सारे हमने इतने अच्छे डाले हैं, तो अब ये जो है इसमें जो मिट्टी निकाली है इसकी, अब हम इसी में इसके चारों तरफ इसके डाल देंगे। ये देखिए इसे ऊपर से बंद कर देंगे, पहले थोड़ी सी डालेंगे ताकि ये इसमें मिला लें पहले, है ना, तो ये अच्छा रहता है, इसमें मिला लेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी हमारी मिट्टी में, और जब हम पानी डालेंगे तो ये पूरा इसमें घुल जाएगा। देखिए चारों तरफ से हमने अच्छे से कर लिया, और अब इसके ऊपर से, क्योंकि आजकल पता नहीं होता बारिश आ जाती, तो बारिश से क्या होता है ये फर्टिलाइज़र पूरा निकल जाता है, अगर हम मिट्टी नहीं डालते ऊपर से तो ये फर्टिलाइज़र निकल जाए, इसलिए इसके ऊपर से ये मिट्टी पूरा घुमा दीजिए। अब ये पूरा कवर्ड हो गया, ये देखिए इसमें मिट्टी भी नहीं निकल रही, और अब मैं क्या काम करूँगी। और देखिए मैंने ये लिक्विड बना रखा है मस्टर्ड केक का, तो मैंने 1 लीटर पानी में ये 50 ग्राम इसमें डाला हुआ है, या 100 ग्राम भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, तो मैं इसमें पानी में एक मग्गे में ये थोड़ा सा लूँगी, ये मैंने 3-4 दिन पहले भिगोया था ये मस्टर्ड केक, तो ये इसे मैं अंदाज से मिला लेती हूँ, बस इतना बहुत होगा, 10 गुना पानी रखना है, 1 दिन और वो रखना है। तो अब मैं इसमें, क्योंकि पानी डाला, अगर हमने इतना फर्टिलाइज़र डाला है तो ये देखिए इसमें पानी ज़रूर डालें, चारों तरफ से डालें ऐसे करके, और पानी इतना डालें कि ये नीचे बाहर ना आए अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमने अभी ये फर्टिलाइज़र जो डाला है तो इसके नीचे बस रूट्स जो होती है वहाँ तक पहुँच जाए, पूरा नीचे तक तो पहुँच जाए, बट इस इतना पानी नहीं डालना जो पानी है बाहर हो जाए, क्योंकि क्या होगा फर्टिलाइज़र फिर निकल के बाहर आ जाएगा, तो इसलिए हमने उतना ही डालना है। और ये देखिए इसे अब हमने पानी डालने डाला, जब इसकी मिट्टी अगर हमें ज़रा सी भी सूखी हुई दिखाई दे तो नमी बना के इसमें रखनी है, तो पानी भी ज़रूरी डालना है, तो और इसे पूरा पानी डालने के बाद इसे इतना फर्टिलाइज़र करने का पूरा, ये देखिए सन लविंग प्लांट होता है, अब इसे पूरा धूप में रखना है, आपको देखो मार्च चल रहा है, अप्रैल तक मई तक तो हमें पूरा ही धूप में रखना है, तो ये बहुत अच्छा इतना फ्लावर देगा, जितने भी अगर इतने भी ये फॉलो करोगे आप जितना मैंने डाला है, तो इसमें कितना हरी हरी ब्रांच है, ये देखिए मैंने इस पर किया था तो इस पर काफ़ी अच्छा ये देखो मुझे रिजल्ट मिला, और अभी मार्च में ये काम जरूर कर लें, और ये देखिए कलियाँ भी बन के आ गई हैं, और कितनी सुंदर सुंदर इसमें ये देखिए ब्रांच बन गई है, तो बहुत ही सुंदर इसका रिजल्ट आता है। और देखिए गुलाब पर क्या होता है, पानी कम देते हैं ये तब भी सूखने लग जाती है पत्तियाँ, और अगर हम ज़्यादा देंगे तब भी ये डाईबैक हो जाते हैं, इसलिए इसको बड़ा संतुलन में देना पड़ता है, रोज़ अब गर्मी है तो रोज़ तो देना ही पड़ेगा, बट इतना दीजिए अगर आपकी नमी बना के रखनी है इसमें हमने, तो ये हमारे अच्छे से प्लांट चलते रहेंगे।
और देखिए कुछ कर्ली जैसे ऐसे हो जाते हैं, कहीं धूप से भी हो जाते हैं और ये कुछ बैक्टीरिया भी कीड़ा भी लग जाता है। देखिए गुलाब पर जब ये नए नए ये ब्रेसल निकलते हैं, सूट से ब्रेसल बनते हैं, तो ये क्या होता है, स्पाइडर भी अटैक करता है, स्पाइडर माइट या और भी इंसेक्ट भी अटैक करते हैं। उससे क्या होता है, पत्तियाँ ये देखिए इस तरह से पीली हो जाती हैं। तो हमें ये काम करने बहुत ज़रूरी है जिससे हमारे ये प्लांट बचे रहे, नहीं तो क्या होता है वो पत्तियों को चूस लेता है, जो सॉफ्ट वाली पत्तियाँ हैं उन्हीं पे अटैक करते हैं ये स्पाइडर वगैरह होता है। तो इनके लिए भी उपाय है, तो या तो होममेड कुछ पेप्सिसाइड बना लीजिए अपने घर में, या नीम ऑयल आता है एक चम्मच, टी स्पून एक चम्मच या 1.5 ग्राम 1 लीटर पानी में आप घोल के रख लीजिए। तो ये जैसे भी हमें कोई पत्ती दिखाई देती है ऐसी कर ली, तो उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए और नीचे से करना है, नीचे पत्ती के नीचे से करना है। तो ये पलट के कर दीजिए और ज़्यादा एक आधी पत्ती ख़राब हो तो उसको या तो निकाल दीजिए, हटा दीजिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर ज़्यादा होता तो ये मैं करती हूँ। और जैसे हमारे प्लांट पर क्या होता है, जैसे नई नई ये निकलती है, ये ब्रांचेज नहीं, ये सूट के बाद ये नई ब्रांच बनती है। तो ये क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है हम जैसे धूप में रख देते हैं ना, तेज़ धूप में, तो उससे ये क्या होता है, ये हल्की हल्की सिकुड़ जाती है और ये सूखने लग जाती है। तो आप उसमें ऐसे करो, सुबह सुबह इस पर जो है पानी का स्प्रे कर दीजिए, अगर ज़्यादा तेज़ धूप है, या हल्की सी धूप से बचा दीजिए। वैसे तो ये सन लविंग प्लांट होता है तो इसको धूप ज़रूरी है, तभी इस पर, अगर हम इस पर धूप में रखते हैं इसको 4-5 घंटे की ज़रूरी है, तभी इस पर फूल आते हैं, और ज़्यादा फूल तभी आएंगे जब हम इसे धूप में रखेंगे। और देखिए अभी तो मैंने इतना कुछ कर दिया है गमले में अपने, ये फर्टिलाइजर दे दिए, और इसके बाद में 15 दिन के बाद क्या करूँगी, 1 महीने में तो एक बार तो इसने देते ही देते हैं ये फर्टिलाइजर। और अभी मैं 15 दिन बाद क्या करूँ, जैसे ही कलियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी, तो ये मैंने लिक्विड खाद बना रखी है, फिर हम इसे ये लिक्विड टॉनिक की तरह काम करते हैं। तो ये जैसे ओनियन का बना के रख लीजिए, और कुछ जैसे ये संतरे का बना लीजिए, और ये बनाना पील बना लीजिए, तो और ये मस्टर्ड का पील बना लीजिए, ये इतने पील आप बना के रखोगे, या सब्जियाँ हम खाते हैं उनका भी पील बना लीजिए। ये देखिए फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे होते हैं सब्जियों के, ये पोटली वाला, ये सब तो काफ़ी सारे मैंने बना के रखे हैं। फिर 15 दिन बाद मैं इनको यूज करूँगी। और उसके लिए आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका।